Hey guys, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Kashmira and I'm here with another DIY video. In today's video, we are going to make coasters. इट्सी बिट्सी क्राफ्ट स्टोर के वेबसाइट पे आपको ये वाले कोस्टर्स मिल जाएंगे. उस पर हम पहला कोट देने वाले हैं वाइट जेस्सो का. तो उसके लिए मैं फ्लैट ब्रश यूज़ करने वाली हूँ. कोई भी अच्छा फ्लैट ब्रश आप यूज़ कर सकते हो. मैं फ्लैट ब्रश नंबर 10 यूज़ कर रही हूँ. अगर आपके पास जेसो नहीं है तो आप वाइट एक्रेलिक कलर भी अप्लाई कर सकते हो एज अ बेस कोट. वन मोर थिंग गाइस, मैंने सेकेंड वर्कशॉप लॉन्च कर दिया है और ये जो वर्कशॉप है वो स्पेशली लॉकडाउन के लिए मैंने डिज़ाइन किया है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे लॉकडाउन है तो वो लोग मटेरियल परचेस नहीं कर सकते या फिर कुरियर सर्विसेज उनके यहाँ पे चालू नहीं है. तो इस वर्कशॉप में आपको सिर्फ ग्लास बॉटल, कलर्स और ब्रश, बस यही लगने वाला है. मैं ऐसा अज्यूम करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी रहेंगी. ये वर्कशॉप नेक्स्ट वीकेंड को है, 22nd and 23rd of May. उसका प्राइस है 499 rupees, बट अगर आप जल्दी अप्लाई करते हो तो आपको अर्ली बर्ड ऑफर मिल जाएगी और आपको वो कोर्स सिर्फ 399 rupees में मिल जाएगा. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अभी रजिस्टर करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो या फिर मुझे मेल भी कर सकते हो. कमिंग बैक टू दिस वीडियो, मैंने तीनों कोस्टर्स को जेसो अप्लाई किया और उसको ड्राई होने दिया. मैंने दोनों साइड से अप्लाई किया और फिर उसके ऊपर मैं ये कलर अप्लाई कर रही हूँ. इसके लिए भी मैं फ्लैट ब्रश ही यूज़ कर रही हूँ. और जो तीन कलर्स मैंने यूज़ किए उसके शेड्स भी मैंने दिखाए हैं यहाँ पे. तो अगर आपने नहीं देखा तो थोड़ा सा पीछे जाके आप चेक कर लो. तीन डिफरेंट कलर्स यूज़ करने वाली हूँ मैं. सी, दोनों साइड से मैंने कलर दिए, दो कोट देने के बाद उसकी फिनिशिंग अच्छी आई है. तो ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं. अब इसके ऊपर हम कुछ पेंट करेंगे. तो सिमिलर डिज़ाइन मैंने एक बॉटल के ऊपर भी की थी रिसेंटली. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लस आई बटन में है. इसके लिए मैं ये आर्टिशल्स का ब्रश यूज़ कर रही हूँ. और जो वाइट कलर मैं यूज़ कर रही हूँ वो है मल्टी सरफेस पेंट. वो भी मैंने इट्सी बिट्सी से परचेस किया है और उसका जो शेड नेम है वो है स्नो डव. यही डिज़ाइन मैं तीनों कोस्टर्स को करने वाली हूँ. तो उसी ये कुछ ऐसा दिख रहा है. और उसके बाद मैंने छोटे छोटे डॉट्स डाले उसमें. तो ये हमारे कोस्टर्स बन गए हैं. अब हम फिनिशिंग पार्ट करेंगे. तो फिनिशिंग के लिए मैं फिर से फ्लैट ब्रश यूज़ करूँगी और ये लिटिल बर्डी का डेकोर वार्निश यूज़ कर रही हूँ मैं, ग्लॉस फिनिश. इसके लिए एक से ज़्यादा भी कोट आप दे सकते हो. अगर आपको अच्छी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग चाहिए तो आप ज़्यादा कोट अप्लाई करो उस पर. या फिर अगर आप रेजिन वर्क करते हो तो आप रेजिन का भी कोट दे सकते हो. सो पूरा ड्राई होने के बाद ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं. उस पर फिनिशिंग आ गई है, ग्लॉसी फिनिशिंग. सो गाइज, आपको ये कोस्टर्स कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस. एंड गाइज, आई एम सो सॉरी, वीडियो बहुत दिन से नहीं आ रहा था बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही थी वर्कशॉप पे, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ वर्कशॉप डिज़ाइन करना था जो लॉकडाउन में आपको हेल्पफुल रहे. आई होप जितना एफर्ट्स मैंने वर्कशॉप डिज़ाइन करने के लिए लिए है उतना ही आप वो वर्कशॉप एंजॉय करोगे.
और लॉकडाउन में खुद को डी-स्ट्रेस करने के लिए वो वर्कशॉप परफेक्ट है। सो गाइज, सी यू देयर। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।